बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैक नाइफ इस्टीमेटर के लिए ये एग्जांपल नंबर 3 है। यहाँ पे भी हमने जैक नाइफ इस्टीमेटर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन ये जो है तो बाकी एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ की है वो आपके पास नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन रेगुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी कंडीशंस में से जो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि आपके पास जो रेंज होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होनी चाहिए। तो चूंकि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यहाँ पे वायलेट कर रही हैं, दैट्स वाई ये आपके पास नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इन केस ऑफ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपने जैक नाइफ टेक्निक कैसे फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ बाइस को आपने कैसे रिड्यूस करना है, तो वो इस वीडियो में इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखें आपके पास क्या है, 1/थीटा, और लिमिट आपके पास है फ्रॉम 0 to थीटा, यानी आपके पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, और बी आपके पास थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है एंड 0 अदरवाइज। सो फाइंड एमिली ऑफ थीटा। थीटा के लिए एमिली फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है एंड देन अप्लाई द जैक नाइफ टेक्निक टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बाइस। सो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने एमिली फाइंड आउट करना है फॉर थीटा। सो इन केस ऑफ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एमिली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कंप्लीट प्रोसीजर आपने अप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया है, वाई एन आया है। ठीक है, वाई एन आने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये वाई एन हमारा अनबाइस्ड है या नहीं। जाहिर सी बात है जब जैक नाइफ अप्लाई कर रहा है तो इट मींस दैट कि ये बाइस्ड ही होगा ना, यानी अमाउंट ऑफ बाइस को हमने रिड्यूस करना है। सो सेम आप देखें, हमने अनबाइस्डनेस देखने के लिए एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं। सो इन केस ऑफ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमें पहले इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप देखें साइड में हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ये चूंकि ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स है, वाई एन इज द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स। सो ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स का फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स का फॉर्मूला है कि एफ ऑफ वाई आई इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आई फैक्टोरियल इनटू एफ ऑफ वाई आई कैपिटल एफ ऑफ वाई आई होल पावर आई माइनस वन इंटू वन माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई आई होल पावर एन माइनस आई। तो वो इस ऑर्डर स्टेटिस्टिक के फंक्शन में पुट किया, आई की जगह एन हमने पुट किया, तो वाई एन यानी हमें वाई एन चाहिए। सो वो कंप्लीट जो है तो एफ ऑफ वाई आई आपके पास क्या है, 1/थीटा है। ठीक है, एंड कैपिटल एफ ऑफ वाई आई, कैपिटल एफ ऑफ वाई बेसिकली आपके पास क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो फर्स्ट यू शुड नीड टू फाइंड आउट द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1/थीटा, तो वो हमने फाइंड किया, तो वाई एन डिवाइडेड बाई थीटा हमारे पास आया है। ठीक है, वो फाइंड आउट किया एंड देन उसका होल स्क्वायर और ये उसी फार्मूले में बाकी पुटिंग की है। वो सारा पुट करने के बाद आपके पास ये देखें सॉल्व करेंगे, कैंसिलेशन वगैरह तमाम वो मैथमेटिकल प्रोसीजर करके आपके पास रिजल्ट क्या आया है, एफ ऑफ वाई एन का आंसर आया है एन इन टू एफ वाई एन पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई थीटा एन। अब हमें चूंकि चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एन, तो बाई द डिफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन चूंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इंटीग्रल और लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to थीटा, वाई एन इंटू एफ ऑफ वाई एन डी वाई एन आ गया। सही है, अब यहाँ पे एफ ऑफ वाई एन की जगह उसके उसका जो फंक्शन अभी जो हमने फाइंड आउट किया है वो पुट किया है और एन डिवाइडेड बाई थीटा पावर एन जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ गया क्योंकि इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एन। सो दीज टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एन। सो यहाँ पे जो वाई एन है इसका पावर है 1 और ये है वाई एन पावर एन माइनस वन, तो ये प्लस वन इस माइनस वन के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास वाई एन पावर एन आ जाएगा। हमें पता है इंटीग्रल जब भी हम अप्लाई करते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाता है और वो तमाम पावर आपके पास डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। तो सेम यहाँ पे इंटीग्रल ही अप्लाई किया गया है एंड इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद वो रेंज यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो आपके पास एट द एंड रिजल्ट आता है एन थीटा डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो ये जो एन थीटा डिवाइडेड बाय एन प्लस वन यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एन की जगह डायरेक्ट पुट किया है ना, तो वो ये तमाम प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद ही हमारे पास आया है। ये चूंकि ऑर्डर स्टेटिस्टिक का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से आपके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ बाइस कितना आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ बाइस सिमिलरली वही प्रोसीजर है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस थीटा जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर अभी हमने फाइंड आउट की है वो क्या थी, एन थीटा डिवाइडेड बाई एन प्लस वन माइनस थीटा। ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास
पास रिजल्ट क्या आता है, एलसीएम लेना है सिंपली यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का, तो आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, क्योंकि ये आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में एन पावर वन है, सो ये आपके पास ऑफ ऑर्डर एन वन है, ठीक। नेक्स्ट अब अमाउंट ऑफ बाइस भी हमारे पास आ गया, अब हम करते हैं जैकनाइफ एस्टिमेटर को फाइंड आउट, ठीक है। जैकनाइफ एस्टिमेटर क्या है, टी एन पावर डे टी एन डैश इज इक्वल टू एन टी एन माइनस वन टी एन माइनस वन बार आ गया। सो टी एन हमें पता है, टी एन इज अवर वाई एन, वाई एन जबकि वाई एन जो है वो आपके पास क्या है, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन में से जो मैक्सिमम है वो आपके पास वाई एन कहलाता है, यानी मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। अब जो हमें यहाँ पे आप देखिए जैकनाइफ एस्टिमेटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी एन, टी एन तो हमें पता चल गया वो हमारा है वाई एन, अब हमें चाहिए टी एन माइनस वन बार, तो टी एन माइनस वन बार फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी शुड नीड टू फाइंड टी एन माइनस वन, चूँकि ये एक नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिंपल वो इससे पहले कि दो एग्जाम्पल्स हमने की हैं वहाँ पे, तो आपने क्या करना था उन ऑब्जर्वेशन में से आपने एक को डिलीट किया तो आपके पास रिमेनिंग जो है वो टी एन माइनस वन हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑर्डर स्टेटिस्टिक के केस में हो सकता है कि हम जो है तो वाई एन की बजाय बाकी ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर लें, यानी वाई एन माइनस वन जो है उनको डिलीट करें, या हो सकता है वाई एन माइनस वन की जगह की बजाय हम वाई एन को डिलीट कर लें, तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना, यानी हो सकता है आपके पास वाई एन ऑब्जर्वेशन हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो डिलीटेड ऑब्जर्वेशन है वो वाई एन नहीं है, ठीक है ना, यानी वाई एन आपके पास प्रेजेंट है तो जो आपने डिलीट किया है वो वाई एन नहीं है, या हो सकता है आपके पास वाई एन माइनस वन हो, और एन माइनस वन का क्या मतलब होगा कि जो आपने डिलीट किया है वो आपका वाई एन है, ठीक है, यानी वाई एन डिलीट हुआ तो रिमेनिंग आपके पास क्या वाई एन माइनस वन रह गया। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है, टी एन माइनस वन बार हमने फाइंड आउट करना है, सो टी एन माइनस वन बार क्या है, सिंपल एवरेज है वन ओवर एन समिशन टी एन माइनस वन। टी एन माइनस वन में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि जो वाई एन है ना ये आपके पास एन माइनस वन टाइम्स आ रहा है, जबकि वाई एन माइनस वन जो है ये सिर्फ एक दफा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इनका सम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, चूंकि टी एन माइनस वन को हमने थीटा आई हेड से रिप्रेजेंट किया था तो हम यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा आई हेड प्लस थीटा आई हेड प्लस अप टू थीटा आई हेड तक उन तमाम थीटा आई का सम जो है, ठीक है वो। सो हमें क्या, हमने दो पॉसिबिलिटीज़ की थी कि वाई एन हो सकता है या वो आपके पास वाई एन माइनस वन हो सकता है। अच्छा फिर हमने कहा कि वाई एन जो है ये आपके पास एन माइनस वन टाइम्स हो रहा है, यानी एन माइनस वन टाइम्स आपके उसमें हो सकता पॉसिबिलिटी है, तो इट मीन्स दैट कि आपने उसको एन माइनस वन टाइम ऐड कर देना है, एंड वाई एन माइनस वन जो है वो ओनली एक दफ़ा है, सो दैट्स वाई वो एक ही दफ़ा इस सम के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। सो ये जो तमाम सम है ना वाई एन प्लस वाई एन प्लस अप टू सो वाई एन, तो ये तमाम आप यूँ लिख सकते हैं n माइनस वन इन टू वाई एन, और वाई एन जो है वाई एन माइनस वन चूँकि एक दफ़ा था सो प्लस वाई एन माइनस वन इसी तरीके से आ गया। सो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास आ गया टी एन माइनस वन बार, यानी n माइनस वन ऑब्जर्वेशन का मीन, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है जैकनाइफ एस्टिमेटर, तो जैकनाइफ एस्टिमेटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली इस फार्मूले में टी एन और टी एन माइनस वन बार की वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दें, टी एन आपका वाई एन है और टी एन माइनस वन बार जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ये वाला, ये यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास इसके बाद आपने सिंपल सी जो ये देखें यहाँ पे क्या किया गया है कि ये तो एज इट इज आया है, यहाँ पे जो वन ओवर एन था वो बाहर निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे ये बाकी सेम एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। फिर इसमें से जो बाहर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन था वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गया, और बाकी इन दोनों के साथ एज अ होल मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो यहाँ पे आप देखें तो n जो है वो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ आपके पास n माइनस वन इंटू वाई एन रह गया, तो n माइनस वन इंटू वाई एन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो पहले आपके पास आएगा माइनस n इंटू वाई एन, ये देखें माइनस है ना बाय, तो इस वजह से माइनस, एंड देन ये माइनस जब इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस वाई एन। यहाँ पे आपके पास चूंकि यहाँ पे था माइनस वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन, सो ये माइनस आप अगर कॉमन ले तो बाहर वाली इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया वाई एन
माइनस वाई एन माइनस वन। सो ये यहाँ से आपके पास अगर आप देखें तो ये दो टर्म जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गए और रिमेनिंग आपके पास ये रह गया। सो स्टूडेंट ये आपका जैकनाइफ एस्टिमेटर है, ठीक है, ये आपका जैकनाइफ एस्टिमेटर हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास अनबाइस्ड है या नहीं। तो यहाँ पे अनबाइसनेस चेक करने के लिए आपने बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लेना है। बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लिया तो आपके पास वाई एन पे एक्सपेक्टेशन आ गया और यहाँ पे भी वाई एन इंटू वाई एन माइनस वन पे एक्सपेक्टेशन आ गया, ठीक है। वाई एन पे जब एक्सपेक्टेशन हम लेंगे तो स्टार्ट में ही हमने उसको सॉल्व किया है, वो आपके पास क्या है एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू थीटा। सो वही एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू थीटा जो है वो यहाँ पे पुट किए वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एन की जगह। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एन माइनस वन सेम उसी प्रोसीजर से आपने फाइंड आउट करना है जैसे हमने स्टार्ट में वाई एन का पहले पी डी एफ फाइंड किया है एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एन फाइंड आउट किया है। सेम वही काम आपने यहाँ पे करना है। पहले आपने वाई एन माइनस वन के लिए फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसी ऑर्डर स्टेटिस्टिक के फॉर्मूले को यूज़ करके। तो वो उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास उसका पी डी एफ आएगा एंड देन आप उस पर एक्सपेक्टेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा मस्ट, ठीक है। ये रिजल्ट आने के बाद क्या किया है कि आपके पास सिंपल इन दोनों का एलसीएम लिया है और इसको सॉल्व किया है तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट ये आया है। इट मींस दैट के ये आपके पास थीटा के इक्वल नहीं है। सो जैकनाइफ टेक्निक हमारे पास वो बाइस्ड आ गया, यानी पहले भी ये बाइस्ड था और जैकनाइफ एस्टिमेटर फाइंड आउट करने के बाद भी ये बाइस्ड है। सो लेट्स चेक कि क्या बाइस्ड तो ये आ रहा है, क्या इसका जो बाइस्ड है वो रिड्यूस हुआ है या नहीं, तो उसको चेक करते हैं। सो उसके लिए हमें पहले अमाउंट ऑफ बाइस फाइंड आउट करना है। कैसे होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस थीटा एस्टिमेटर। चूंकि जैकनाइफ एस्टिमेटर का हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जैकनाइफ एस्टिमेटर माइनस थीटा। जैकनाइफ एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया वो हमारे पास ये थी इंटू माइनस थीटा आ गया। तो ये थीटा इस थीटा के साथ कैंसिल हो के आपके पास रिमेनिंग सिर्फ ये टर्म रह गया। अब जब डिनोमिनेटर में एन आप मल्टीप्लाई करेंगे एन प्लस वन के साथ तो आपके पास हाईएस्ट पावर एन की क्या आ रही है, टू। सो इट मींस दैट कि जो जैकनाइफ एस्टिमेटर है वो आपके पास ऑफ ऑर्डर टू आ रहा है। एंड वी नो दैट कि जो फर्स्ट हमने जो ओरिजिनल एस्टिमेटर था उसके लिए जब हमने फाइंड आउट किया था वो ऑफ ऑर्डर वन था, लेकिन जैकनाइफ एस्टिमेटर का ऑफ ऑर्डर टू आ रहा है। तो इट मींस दैट कि हमारा जैकनाइफ एस्टिमेटर जो है वो इम्प्रूव्ड हो गया है, ठीक है ना। जो अमाउंट ऑफ बाइस था वो रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि जो ऑफ ऑर्डर टू होता है वो आपके पास लेस होता है देन ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है। तो चूंकि डिनोमिनेटर में जितने भी आपके पास वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही आपका जो अमाउंट ऑफ बाइस है वो कम होगा। सो जैकनाइफ एस्टिमेटर ने कम्प्लीटली बाइस को रिमूव तो इस केस में नहीं किया, बट यस इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। सो ये आपके पास एक नॉन रेगुलर केस था। तो इसी नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारी जैकनाइफ एस्टिमेटर का जो कम्प्लीट टॉपिक है वो क्लोज हो रहा है। आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली जैकनाइफ एस्टिमेटर की समझ आ गई होगी। इसके लिए हमने जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं उन तमाम एग्जाम्पल्स की भी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। बट इफ स्टिल देयर इज एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।